बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी मस्करे चाहे नून लीग के हों, पीपल पार्टी के हों या पीटीआई के, सबकी हमेशा यही कोशिश रही है कि पाक फौज से पाकिस्तानी अवाम के रिश्ते को तोड़ा जा सके। ये जब जब भी नाकामी का शिकार हुए हैं, इन्होंने अपनी नाकामियां पाक फौज पर डालकर अवाम को उनसे मुतनफर करने की कोशिश की है। लेकिन पाक फौज से पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत पाकिस्तानी अवाम की रगों में दौड़ती है। इसी हवाले से जेरे नज़र वीडियो में आप कुछ पुरजोश मनाजर देख रहे होंगे। हमारे ये सियासी मस्करे जब इक्तदार में आते हैं तो पाक फौज के कंधों पर सवार होकर आ रहे होते हैं, पाक फौज की तारीफ हो रही होती है, पाक फौज के मुखालफीन को गद्दार कहा जा रहा होता है। फिर 3-4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद जब ये वापस जा रहे होते हैं और अपनी हुकूमत में नाकाम हो चुके होते हैं, तो ये अपनी तमाम नाकामियों का मलबा पाक फौज पर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पाक फौज पर तबर्रा हो रहा होता है। खुद ही सोच लीजिए कि वो इमरान खान जो पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को गद्दार कहा करता था, खुद ही आजकल चौकीदार चोर के नारे लगवा रहा है। अपने मौसनों और दुश्मनों की पहचान कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हमें अपने मुहाफ़िज़ों के साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।